फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई एग्रीकल्चर में। चलिए फ्रेंड्स, एक बार डिस्कस कर लेते हैं आज के धरने के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 4 से 5 स्टूडेंट जो है सचिव से मिलने के लिए ऊपर पहुंचे थे, तो सचिव ने आश्वासन दिया था कि आपका रिजल्ट जो है फरवरी माह में अवश्य ही आ जाएगा। मतलब 99% उन्होंने कहा कि आ जाएगा, आप धरना समाप्त कर दीजिए। लेकिन हम लोगों को संतुष्ट नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं। डेट उन्होंने कई बार दिया लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं किया। तो हमने उनसे कहा कि हमें आप लिखित आश्वासन दीजिए कि आप इस दिन डेट जो भी हो, मतलब इस दिन आप रिजल्ट जारी करेंगे। तो सचिव ने लिखित जो है आश्वासन देने से मना कर दिया कि देखिए, मैं लिखित कुछ नहीं दे सकता। आप मान लीजिए आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा इसी महीने में। तो स्टूडेंट जो कि इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, और उन्होंने एक बात ये भी कहा कि आप 19 फरवरी को, उन्होंने एक बार फिर से बुलाया है कि 4 से 5 स्टूडेंट जो है 19 फरवरी को एक बार आ जाइएगा, हम आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। ये बात उन्होंने बोला था। अभी इसमें क्या उनके मन में क्या है वो बाद में पता चलेगा। तो उसके बाद हम लोग जो है कि जब लिखित आश्वासन मांगे नहीं मिला, तो फिर हम लोग नीचे आ गए और धरने पर फिर बैठ गए, धरना फिर देने लगे। लेकिन इसी बीच कुछ पुलिस वाले जो है आ गए, और उन्होंने धरना देने देने की जो है परमिशन मांगने लगे कि आपके पास परमिशन है, आप धरना बैठे हैं, प्रशासन से परमिशन लिए हैं कि नहीं। तो जो कि हमारे पास था ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन ले लीजिए, जिससे कि आपको कानूनी तौर पे कोई बाधा ना आवे। उन्होंने कहा आप जाइए, पहले परमिशन लीजिए, उसके बाद आके आपको जितना धरना करना है करिए। जो कि ये एक बात इसमें यह भी बता देना चाहता हूँ कि जो वीडियो वाले जो धरना दिए थे, उन्होंने भी परमिशन ले रखा था पहले से ही। तो उसके बाद हम लोग परमिशन लेने के लिए पहुँच गए प्रशासन के पास। प्रशासन जो कि हम लोग को धरना देने के लिए जो है परमिशन के लिए अनुमति नहीं दिया। उसके बाद फिर जब अनुमति अनुमति नहीं मिला, और ऊपर से शाम भी हो चुकी थी, तो लड़के जो है अब निराश हो चुके थे। देखिए, सबसे बड़ी निराशा ये थी कि जितने स्टूडेंट आने चाहिए थे वो तो आए नहीं। हमने वीडियो में बना के बताया था कि कम से कम 500 स्टूडेंट आ जाएं, लेकिन 100 के नंबर पहुंच जाए वही बहुत बड़ा मुश्किल था। क्योंकि आप यहाँ रहते तो समझ में आता कितने स्टूडेंट थे और क्या इसे किसी को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझ लीजिए, जब हमें परमिशन नहीं मिला, उसके बाद क्योंकि परमिशन लेने के लिए बहुत समय लग गया, फिर मिला नहीं, और उसके बाद शाम हो चुकी थी, फिर लड़के आपस में बात करने लगे, क्या रुकने से क्या फ़ायदा है, चला जाए ऐसे वैसे। तो फिर धीरे धीरे लड़के जो है निकलने लगे। फिर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है आस पास के थे, तो वो निकलने लगे, फिर खाली हो गया धीरे धीरे। उसके बाद सब लोग चले गए, फिर हम लोग फिर चले आए। अब इसके बाद क्या होगा ये तो कोई कंफर्म नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 19 फरवरी को बुलाया गया है, देखिए कौन कौन जाते हैं। और ये मान लीजिए कि जब तक बड़ी संख्या में नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। आप देखिए, रिजल्ट सबको चाहिए लेकिन कोई आना नहीं चाहता है। 2059 पोस्ट है, कम से कम 2059 लोग में से 500 ही लोग तो आ जाएं, जिसको जिसको लेना है, सिलेक्शन लेना है। आपको रिजल्ट भी चाहिए, नई वैकेंसी भी चाहिए। तो भैया, कम से कम इतने लड़के हैं एग्रीकल्चर के, 50,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, क्या आप उसमें से 500 भी नहीं आ सकते? अरे, एक ही बार आइए, फिर अच्छे से धरना दीजिए 2 दिन, क्यों नहीं बात मानेंगे? अगर आप आज ही 500 रहते तो आज ही रिजल्ट लेकर चले आते, लेकिन कोई था ही नहीं, क्या हमारी बात मानेंगे वो? तो सबसे बड़ी निराशा यही थी। और आगे क्या होगा, आप चैनल से जुड़े रहिए, जो भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे।